हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप लोग सभी ठीक होंगे और वीडियो प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे। तो एक टॉपिक लाया हूँ मैं आज, मिल हाउस से या फिर बॉलिंग हाउस सबसे रिलेटेड करता है। तो टॉपिक का नाम है MPI। MPI मतलब होता है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। तो कोई भी आपकी अगर साफ्ट है, चाहे वो IRC की साफ्ट हो या ERC की साफ्ट हो या मिल का रोलर हो या हेड स्टॉक हो, ठीक है, कोई भी आप साफ्ट है उसका आपको MPI कराना पड़ता है। ठीक है, MPI कराने पे क्या पता लगता है कि उसमें कुछ क्रैक्स है या नहीं है। जो क्रैक जो आता है वो हमेशा जो आता है वो साइड से ही आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम बीच में क्रैक आ जाएगा। तो क्रैक जो है वो साइडों से आता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, MPI अधिकतर साइडों से मतलब कराते हैं। तो उससे हमें ये पता लगता है कि क्रैक आ गया, क्योंकि अगर MPI नहीं कराएंगे तो अगर हमें वहाँ पर कोई क्रैक होगा और फिर उसको हम वैसे असेंबल कर लेंगे तो सीजन में अगर वहाँ से वो ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो MPI कराने से एक तो क्रैक पता लगेगा और क्रैक को हमें क्या है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। और रिपेयर कैसे करते हैं वो भी आपको मैं आगे वीडियो में लाइव दिखाऊंगा, और लाइव दिखाऊंगा कैसे जो क्रैक है क्रैक को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए। तो देखिए क्या है, टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑन द ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाई रनिंग अ मैग्नेटिक करंट थ्रू इट। तो देखिए नॉर्थ और साउथ पोल दो होते हैं। जब हम क्या करते हैं कि क्रैक को आइडेंटिफाई करना है तो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को जिस पे किसी भी साफ्ट पे अगर करना है या फिर किसी भी कॉर्नर पे करना है या किसी भी हेड स्टॉक पे करना है या रोलर पे करना है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम नॉर्थ एंड साउथ में मैग्नेटिक पोल को रख के और क्या करते हैं फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक है, जब फील्ड जनरेट करते हैं तो साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है फील्ड, देखो ये देख रहा है इसमें, और जहाँ पर क्रैक होगा वहाँ पर क्या होगा प्रॉपर एक फ्लक्स टाइप का जनरेट हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस टाइप का कलर रहता है और कैसे क्रैक आइडेंटिफाई करते हैं। और वहाँ से क्या है मैग्नेटिक जो है लाइन वो प्रॉपर पास नहीं होंगी, तो वहाँ पर हमें दिख जाएगा कि वहाँ पर एक डिफेक्ट है। ठीक है, तो उस डिफेक्ट को दूर कैसे करेंगे और क्या उसके एक्शन लिए जाते हैं वो मैं आपको वीडियो में भी प्रॉपर दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी जैसे ये हेड स्टॉक है, इस हेड स्टॉक को हमें मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन करना है, तो जिसका भी करते हैं उसमें क्या करते हैं प्रॉपर तरीके से उसको साफ़ कर लेते हैं। तो प्रॉपर तरीके से साफ़ करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग से क्या होता है जितनी भी उसमें अगर गंदगी लगी है वो एकदम प्रॉपर तरीके से साफ़ हो जाएगी, जिससे हमारा इंस्पेक्शन प्रॉपर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा MPI इंस्ट्रूमेंट है और इसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, और ये जो लाइट है इस लाइट की एक विशेषता ये है कि ये जो लाइट है ना वो कलर जो है ब्लू और क्या नाम आपका तोतिया कलर जिसे बोलते हैं लाइट ग्रीन आपका कलर दिखाता है। देखिए अभी ब्लू दिखा रहा है, और जहाँ पर भी क्रैक होगा या डिफेक्ट होगा वहाँ पर क्या करेगा ये कलर चेंज कर देगा और क्रैक का निशान दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो देखिए जिस जिस स्थान पे लगा रहे हैं उस स्थान पे हम लाइट से चेक कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं क्रैक है या नहीं है। तो क्रैक का साइन अभी देखो किस प्रकार से आता है, आपको पास से दिखा रहे हैं। देखिए नीली नीली लाइट है और जहाँ पर क्रैक का साइन आएगा वहाँ पर एकदम क्रैक का निशान दूर से ही दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए थोड़ा सा और ऊपर चेक करते हैं। देखिए जो येल्लो येल्लो निशान से दिख रहा है इसी टाइप का एक क्रैक आएगा। ठीक है, और उस क्रैक को क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे और किस प्रकार निकालेंगे वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए। तो अभी हम चेक कर रहे हैं क्योंकि जो क्रैक होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग जो होता है साइड से ही होता है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर कुछ येलो येलो लाइन सी दिख रही हैं। ठीक है, ये लाइन दिखा रही हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा टाइप में है, लेकिन क्रैक का जो साइन रहता है वो एकदम सीधी सीधी लाइन दिखाई देगा। ठीक है, वो देखिए वो जो ग्रीन लाइट ग्रीन जो दिख रही हैं इसी टाइप से क्रैक पता लगता है कि यहाँ पर क्रैक है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा पास में दिखाएंगे और थोड़ा उससे आपको क्लियर होगा। देखिए लाइट जो है जो ब्लू रहती है और फिर जब ग्रीन हो जाती है तो उससे क्रैक हमारा पता लग जाता है। देखिए जहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड जहाँ लगा रहे हैं वहाँ पर उसकी लाइन क्रैक है या नहीं क्रैक वो पता लगाएंगे। ठीक है, तो और आपको दिखाते हैं बिल्कुल पास से। देखिए यहाँ कोई क्रैक नहीं है। ठीक है, यहाँ भी कोई क्रैक नहीं है, यहाँ भी कोई क्रैक नहीं है। ठीक है, यहाँ भी कोई क्रैक नहीं है, तो अगर क्रैक होगा तो एकदम लाइट सी आ जाएगी। ठीक है, एक देखिए
ये नीचे जो येलो येलो दिख रही है वहाँ पर हम क्रैक नहीं देख रहे हैं, क्रैक हम ऊपर देख रहे हैं। तो देखिए कुछ क्रैक अगर आया है तो उसको हम क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ठीक है। तो उस क्रैक को निकालते हैं, फिर चेक करते हैं, अगर फिर उसका क्रैक का साइन आएगा फिर थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं और फिर एकदम चेक करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर क्रैक आता जाएगा वहाँ पर हम थोड़ा सा ग्राइंड कर देंगे, मतलब गड्ढा सा बना देंगे। और इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम बेल्डिंग कराएंगे, मतलब बेल्डिंग भर देंगे, और बेल्डिंग भरने के बाद में इसको दोबारा ग्राइंड करके इसको ठीक कर देंगे। यही इसका उपाय है, ठीक है, जिसको हम ठीक करते हैं।